पहुंच चुके हैं अपने ये रोप वे स्टेशन पर। ये टूरिस्ट बस जिससे हम जाएंगे पटनी टॉप। पटनी टॉप पे हमें मिल गया अपना होटल रूम और यहाँ पे हमने भाई बॉन फायर भी लगवाया है। यहाँ पर तो दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लाइन है, जितना हम चल के नहीं आए ऐसा लग रहा है कि उससे ज्यादा लंबी तो लाइन ही है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आने के बाद लोगों की हालत देख लो, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सुमेश भैया की चीखें निकल गई थी अंदर तो। ऐसे करवाना चाहिए था, जान के निकाले। ए झूठ बोल रहा है। अभी हम लोग आए हैं दर्शन करके सागर रत्ना में, कुछ खाएंगे। बहुत तेज भूख लग रही है। ये ऑर्डर दिया है आप? हां भाई, चलो फिर लेकर भी आ जाओ। चलाक ब्रो। भैरव बाबा पर, और इस बार हम लोग मतलब चढ़ाई करके नहीं जा रहे, इस बार हम जा रहे हैं मतलब रोप वे के साथ। ट्रोली बोलते हैं उसको, ट्रोली रोप वे बोलते हैं उसको। चलो भाई ट्रोली पे चल रहे हैं अभी हम लोग, ट्रोली रोप वे बोलते हैं उसको। सो गाइस हमें टिकट मिल चुकी है और इसका प्राइस है 100 रुपए, भवन से भैरव बाबा और भैरव से भवन, आना जाना 100 रुपए में। पहुँच चुके हैं अपने ये रोप वे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा रोपवे का, 100 रुपए में यार आना जाना करे, इतना बढ़िया व्यू, मतलब मजा आ गया देखकर। आ चुके हम भैरव बाबा के मंदिर, अब करते हैं हम यहाँ के दर्शन। तो हमने भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब हम जा रहे हैं अपने व्यू पॉइंट पर, जहाँ से हमें मतलब व्यू देखने वाला काफी अच्छा व्यू। मेरा बैग ले लिया अब है, और ये मेरा बिली भी नहीं ले। जाओ जाओ जाने दे, जाने दे, वो जाएगा नहीं, अब मेरा बैग लेके आओ आप। होता है आप घूरो मत यार, जा रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी बढ़ चुकी है। सारे अभी फोटोज क्लिक कर रहे हैं। हमने मतलब भवन से उतराई चालू कर दी है और हम 4-5 लोग पैदल जा रहे हैं, बाकी सुमेश जी और पूनम जी तो घोड़े पे गए हैं। मेरे फोन में सिर्फ 6% बैटरी है, वो भी मैंने इमरजेंसी लिए रखी है कि अगर कुछ शूट करना कर लूंगा तो अब शायद मैं आपको डायरेक्ट नीचे मिलूंगा। हम लोगों ने सब कुछ कैंसिल कर, मतलब नॉर्मल रास्ता कैंसिल करके सीढ़ियाँ पकड़ ली। अभी 700 सीढ़ियाँ उतर कर आए हैं, अब और उतर रहे हैं। भाई अभी हम सोकर उठे हैं और करीब हम रात को उठ नहीं पा रहे, जो पैरों की हालत हो रही है ना बहुत, मतलब क्या बताओ, मतलब पैर ना ऐसे मोड़ भी नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा यहाँ से उठ के पटनी टॉप कैसे जाएंगे। और अभी बज रहे सुबह के 10:30, मतलब सॉरी 11:15 बज रहे हैं, और हम रात को आ गए थे 9 बजे के लगभग, और आती पड़ गए ऐसे कि भाई फोन का भी कुछ ध्यान नहीं, कहा है क्या है, सो गए। अभी उठे पूरे 12-13 घंटे की नींद लेने के बाद, और अभी भी मतलब पैर इतने तेज दर्द हो रहे हैं ना। और अभी हमने चाय वाय मंगवाई है, चाय वाय पी है, उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, गले की भी आदत खराब हो गई है, पता नहीं ठंडी से हो रही है क्या हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है गला। और बाकी का भी अभी कुछ अता पता नहीं है भाई, कहाँ पे है क्या है, कोई कॉल वॉल नहीं आई है, तो उनसे ही पहले कोऑर्डिनेट करते हैं कि कहाँ जाना है क्या करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई मैंने नहा लिया है और रेडी वेडी हो गया, बस यहाँ पे हम बैग वैग लगा रहे हैं और फिर इस होटल से हम कर देंगे चेकआउट और फिर हम लोग निकल देंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, और जो कि है पटनी टॉप। तो अभी शिव भैया नहाने गए हैं, मैंने नहा लिया अपना बैग पैक करता हूँ। गाइस यहाँ से हम कर रहे हैं चेकआउट, पटनी टॉप। सामान वामान लोड हो रहा है यहाँ पर, ये रहा हमारा होटल, होटल ओमकरण, अच्छी सर्विस थी नो डाउट। अभी हम आए मार्केट में खाना खाने के लिए, नाश्ता किया तूने अभी तक? नहीं, मैगी खाई थी हमने, बहुत भारी याद थी देखा। तो बेसिकली हम नाश्ता मतलब ब्रंच करने आया हुआ है, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे कुछ, अगर शॉपिंग वॉपिंग करनी होगी तो कर लेंगे, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जो कि है पटनी टॉप, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आज तक नहीं गया कभी, तो है कुछ मतलब मिलेगा बहुत बढ़िया, मतलब हाँ। गाइस अभी हमने ये सुना है मोती फूड कोर्ट, ये सही लग रहा है देखने में, तो हम यहाँ पर करते हैं अपना ब्रंच और फिर चलते हैं। तो कुछ ये कॉन्टेंट नूडल्स अच्छे लगे आपको? चलो बढ़िया, बाकी अच्छा ठीक है। मंचूरियन कैसा था? मंचूरियन पड़ा हुआ सब भाई, सबने छोड़ दिया, बिल्कुल हार्ड था, मतलब कि बहुत बेकार था, बहुत बहुत था। अरे इससे नहीं, इसके लिए उन्होंने दूसरा औजार रखा, थोड़ा लाओ। भाई आपने ये तो बताओ, आपने ये दही क्यों छोड़ दिया? ये भी अच्छे क्योंकि मैंने ना मीठी लस्सी मंगाई थी और सेम लग रही थी, बस में चीनी नहीं थी। तो खा पी के फुल सेट हो चुके हैं, अब थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लिया। हमारा ड्राइवर आ चुका है गाड़ी लेकर, फैन मूवमेंट हो रहा है, फैन मूवमेंट देख रहे हो तुम, पहचान मुझे रहे हैं फोटो।
चलो 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 पटनीटॉप 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 पहाड़ियों के बाद में हमने लिया पहला ब्रेक। सफर बहुत अच्छा कट रहा है। सफर बहुत अच्छा कट रहा है। क्या भाई पटियाला? भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। मतलब कुछ भी। काफी मशक्कत करने के बाद पटनी टॉप पे हमें मिल गया अपना होटल रूम और हम जाएंगे और यहाँ पे हमने भाई बॉन फायर भी लगवाया है तो उसका भी देखते हैं, उसका भी फील आएगा और बढ़िया एंजॉय करेंगे हम लोग। ये हमारा होटल है, होटल फॉरेस्ट व्यू, तो काफी मजा आने वाला है। अब बस सामान हम लोग अनलोड कर रहे हैं, देन उसके बाद चलते हैं अपने रूम्स वगैरह देखते हैं और फिर करते हैं आगे का प्लान स्टार्ट। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल के वहाँ और वहाँ हमारा होगा बॉन फायर, डीजे वगैरह, बाकी चलते हैं रूम्स वगैरह देखते हैं। पहले हम रूम ले रहे थे, इतना अच्छा। लेकिन भैया ने अपने जूते खोल लिए पहले। भैया ने अपने जूते खोल लिए, कह रहे मैं इसमें रुकूंगा, इतना बढ़िया यहाँ से व्यू भी था। चलो कोई नहीं भैया, मैं व्लॉग बनाने आ जाऊंगा इधर, ठीक है? चलो भैया मिलते हैं। अरे एक सेकंड, ओ नाइस। कहाँ जा रहे हैं सारे? नहीं अभी तो रूम में जा रहे हैं हम। गाइस फाइनली हमें ये रूम मिला है और ये हम चेंज नहीं करने वाले बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है सुबह उठ के हमें यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। जब रात को इतना अच्छा व्यू मिल रहा है तो सुबह क्यों नहीं। तो भाई रात को बज गए अभी 9:30 लगभग और हमारी बॉन फायर मतलब जल चुकी है प्रॉपर। अब हम यहाँ करेंगे चिल और आपको भी थोड़ी बहुत कराएंगे। बढ़िया है अंगारे उछल रहे हैं, उससे बच के रहना है जब तक ये प्रॉपर नहीं जल जाता है।